हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे हम. दीज आर परफॉर्म्ड बाय हीटिंग द कास्ट अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अलाउज इट टू कूल स्लोली टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन क्वेंच. तो ये सब कुछ हमने कर लिया है. उसके बाद हमने हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करनी है, तो हमारे पास एक फर्नेस होगी. फर्नेस के ऊपर बाकायदा लिखा होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड. वो मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा. फर्नेस है तो मेरे पास, मेरे घर में ही पड़ी हुई है, मेरी अपनी फर्नेस है. तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको ले जाएंगे और फिर हम उसको अलाउ करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए, और जो ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा हम उसको उठाएंगे और पानी के अंदर क्वेंच कर देंगे. तो दिस विल टेक 20 मिनट्स फ्रॉम 450 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन एवरेज साइज कास्टिंग. If casting is bigger, it can take more time. If it is smaller, then it will take less time. So, as a rule, always follow the manufacturer's recommendations. Why? Because the procedures which we are doing, these are designed that hardening by both precipitation and ordering can occur due to the ingredients and the experiments which the manufacturers have done to these treatments, to perform these treatments. So we have to follow the manufacturer recommendations always. इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आपने manufacturer recommendations को करना है. क्यों? कि अगर हम manufacturer recommendations को follow नहीं करेंगे तो फिर ये चीज तो होगी कि फिर जो उन्होंने सिस्टम देखा हुआ है, जो उन्होंने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, जो उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क किया हुआ है, अगर हम उसको डिनाई करते हैं, उससे हम आगे पीछे होते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आएंगे.